हिम्मत कैसे हुई जाने दे देवा? मैंने सोचा कि तू फौज लेकर आएगा, तू तो इस चूहे को ले आया। मेरे बाप का खून है तो नथुनी पहनने का हक नहीं मिलता तुझे, उससे कमाना पड़ता है। बता कैसे कमाए? दोबारा हाथ लगाया तो मेरे हाथ में बिजली की तार नहीं, पूरा खंभा होगा। जंग हारने का मतलब था सब कुछ हार जाना।
अनुसार जो आपके पिता ने ही बनाए थे, ये हमारा हक है, हमें रोकिए मत। किसी को इसके बारे में पता ना चले, निकल जाओ। Thank you.
बेटी इंडिया आ रही है। क्या दिमाग खराब हो गया क्या? उसको इंडिया क्यों भेजा? मैं उसे क्यों भेजूंगा, वो बिना बताए चली गई। अगर उन लोगों को पता चल गया तो? अगर नहीं, उन्हें पक्का पता चल गया होगा, 7 सालों से ढूंढ रहे वो। फिलहाल चुप बैठी है तो उसे कमजोर समझा है। आज राधा रमा की ताकत का अंदाजा नहीं है तुम्हें। उसकी नौकरानी ओंकारी माधव 2-3 राज्यों के चुनाव कंट्रोल कर लेती है। पता चल गया है माँ, वो नहीं उसकी बेटी आई है। कृष्णकांत ने अपने लिए जो फेक पासपोर्ट बनवाए थे अपनी बेटी के लिए भी बनवाए। उसमें से एक पासपोर्ट यूज करके यूएस से 2 इंडिया टिकट बुक की है। वो कल सुबह 6 बजे लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पापड़ पर उतरेगी। इधर आई नहीं, उसके भी नहीं है जैसे दो दो गुड़ गए। मेहता, कृष्णकांत की बेटी इंडिया आ रही है सर। कृष्णकांत की बेटी हजार है। बोलो ओंकारी माँ। कृष्णकांत की छोरी उड़ा रही है। जैसे भाई इलेक्शंस के चलते मेरा निकलना मुश्किल है तो फौरन बाबतपुर के लिए निकलती है। 7 साल पहले जो तुमने उनके साथ किया उसका बदला वो तुम्हारी बेटी पर निकालेंगे। तुम्हें कुछ करना होगा मिला। अब मैं क्या कर सकता हूँ? वो कहाँ रहता है सिर्फ तू जानता है। हाँ तो अपना वादा याद है ना बिलाल? Gracias.
टाइम नहीं है मेरे बात ध्यान से सुनना अध्याय। तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो जो बोले वही करना। तुम्हें जल्दी वहां से बाहर निकाल दूंगा बेटी, पर कुछ भी हो जाए मुझे फोन मत करना। डैड, लिसन टू मी डैड, नो 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 नो, वी नीड टू कॉल द कॉप्स, वी नीड टू कॉल द कॉप्स प्लीज, यू डोंट अंडरस्टैंड। तुम्हें इंडिया आना ही नहीं चाहिए था, पर आ गई। तुम जानते नहीं यहाँ क्या चल रहा है, बताऊंगा तो भी नहीं समझोगी। इतना टाइम भी नहीं है, इन हालात में पूरे इंडिया में अगर तुम्हें कोई बचा सकता है तो वो है सिर्फ। हादसे
निकले की भूख आगे कोई और भूख ना लागे मैं जाऊं जो कृष्ण कांत को नहीं मिली हो पर भी की छोरी आई है मारा लोपी ने पकड़ को नहीं पाया पर बजट्ठे भी है ढूंढ के तेरे दौरे लाऊंगी बदलो लेनो है तो जिंदा रहनो जरूरी है ना रमा लगता था इस गांव के सभी लोग कोल माइन में काम करते हैं उनके बच्चे भी
यहीं पे कूली का काम करते थे। 4 साल पहले ये टीचर यहाँ आए और इस टूटे फूटे स्कूल को गांव वालों के हाथ पैर जोड़कर ठीक करवाया। तब से ये टीचर इन बच्चों को यहाँ पढ़ाती है। अब एक और कैंडिडेट के बारे में बताता हूँ, thank you।
हिटलर ने इंग्लिश टीचर को मार्केट भेजा है। डबल रेट देकर खरीदा है आपको। यू आर माय प्रॉपर्टी, आई एम योर ओनर। अच्छी प्रॉपर्टी खरीदे रे। लड़की को जाने दो। हीरो आ गया है, अब ये हम सबको मार देगा और मेरी प्रॉपर्टी चुरा कर ले जाएगा। टिक 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 टिक, मार 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 ना। मैंने बेकार में इसको हीरो समझ लिया। लेकिन ये सब किसी
से कहानी है ना? मैं नहीं जानता वो जगह सच में है या नहीं, उस जगह का नाम सुनते ही जो डर सब में पैदा होता है वो सच है। ये लड़की
ये लड़की हमारे गांव में है। यहाँ तिनसुकिया में है। क्या हुआ सर? लड़की मिल गई, उसे आसाम के तिनसुकिया गांव में देखा गया है सर। तिनसुकिया बर्मा बॉर्डर के पास है। उस गांव के पास में एक कोल माइन है, वहाँ काम करने के लिए बहुत सारे लोग माइग्रेट हुए हैं सर। वहाँ सीसीटीवी है क्या? बहुत छोटी जगह है सर, कोई बैंक या पोस्ट ऑफिस भी नहीं है। तो फिर वो वही भाई तिनसुकिया के लिए फौरन निकल। चलो वहां किसे भेज रहे हैं? सेल्फी को भेज रहे हैं सर। भाई मुझे जल्दी तिनसुकिया से फोटो भेज। ठीक है भाई। चलो
ऊपर जाके पैक करो, आज ही यहाँ से निकलना है। हाँ जी। This video is downloaded from HD Hub for you. ये सब मेरी वजह से हुआ है। सोचा ये लड़की आपके पास सेफ रहेगी, इसलिए इसे यहाँ ले आया। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। अब मैं अपने और अपने बेटे के अलावा कुछ नहीं सोचूंगी। दूसरों के बारे में सोचने का वक्त नहीं है मेरे पास। गांव से गांव, सात साल से भागते ही जा रहे हैं। हम यहाँ सुकून से रहना चाहते थे, लेकिन अब यहाँ से भी भागना पड़ रहा है। अब यहाँ से कहाँ जाए हम? बताओ। तेरी वजह से वो फिर से। उस लड़की को यहाँ से ले जा मिला। डिलीवरी पॉइंट चेंज है। मुदीराबाद में एक चेक पोस्ट है जो माओवादियों के कब्जे में है। सब हमारे ही आदमी हैं। उसको पार करने के बाद बर्मा बॉर्डर शुरू होता है। मैं वहां से डिलीवरी उठा लूंगा। उस कंसाइनमेंट के साथ तुझे एक लड़की को भी लाना है। अभी कहाँ है वो? चेक पोस्ट के रास्ते में तिनसुकिया नाम का एक गाँव है, उसे वहीं से उठाना है। लगता है पूरब का वास्तु अच्छा है, उस तरफ चल। डिलीवरी पॉइंट चेंज हो गया, लेट्स गो देयर। बर्मा बॉर्डर जाना है, जल्दी निकलो। बॉर्डर पार करते ही कोई नहीं देवा, मैं संभालूंगा। निकलना है। चोरी ने गाड़ी पे डाल दियो। सी
ही लगा दी हो, पूरे लेकर है। Thank you.
गाड़ी में बिठा के ताकि देवरथा उसको रोके। बताइए सब क्यों पीछे पड़े हैं? तुम्हारे पिता, देवा, उसकी माँ, मैं, ये सील के सारे लोग हम सबको एक चीज जोड़ती है, खालसा। शौर्यांग का कबीला,
तीनों कबीलों के सरदार शिव मन्नार दिल्ली गए। उन्होंने इंडिया के नक्शे से खानसार को मिटा दिया और चेतावनी दी कि भारत का संविधान खानसार पर लागू नहीं होगा, लेकिन खानसार के सारे नियम और कानून इंडिया पे जरूर लागू होंगे। भारत के सारे गैर कानूनी धंधे जैसे स्मगलिंग, गैम्बलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स, लैंड माफिया, पेट्रोलियम, फेक करेंसी, आर्म्स, इन सब में जितना पैसा आता था उसमें खानसार का फिक्स्ड हिस्सा था। ये सब उन्हीं के एजेंट संभालते थे। कानून उन तक ना पहुंचे इसलिए उन्होंने देश के पॉलिटिकल सिस्टम को काबू में ले लिया। दहशत ही था उनका हथियार जिसका सामना कोई नहीं कर पाया। धीरे धीरे लोग खानसार का नाम तक लेने से डरने लगे। डर की बुनियाद पर खड़ा था ये सारा कारोबार और इसमें सिर्फ मुनाफा था। शिव मन्नार अपने कबीले के वायलेंट नेचर से वाकिफ थे। जैसे जैसे दौलत बढ़ती गई उन्होंने खानसार को एक सिस्टम में बांधना चाहा। उन्होंने कानून की एक किताब लिखवाई जो सब पर लागू थी। उस किताब का नाम रखा निबंधन। उस निबंधन के मुताबिक खानसार को 101 भागों में बांटकर हर भाग का एक नायक चुना गया। पहचान के तौर पर हर नायक को एक कड़ा दिया गया। कड़ों के हिसाब से नायकों के 3 दर्जे थे। काबर 1 वोट की ताकत वाले 61 नायक, सरदार 3 वोट की ताकत वाले 8 खास नायक, और आखिरकार 15 वोट लेकर शिव मन्नार ने खुद को खानसार का कर्ता घोषित किया। फिर एक दिन शिव मन्नार की मौत हो गई। तीनों कबीले के समझौते के हिसाब से शिव मन्नार के बाद शौर्यांग का कबीले के नायक धारा को खानसार का कर्ता बनना था, लेकिन राज मन्नार का अपने पिता की गद्दी छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। सबकी नजर मेरी ही गद्दी पर है। शौर्यांग का कबीले को ही जड़ से मिटा दूंगा। क्या उनसे हम मुकाबला कर पाएंगे? एक ही तरीका है शौर्यांग को खत्म करने का। आदमी, औरत, बच्चे, बुजुर्ग सबको नींद में मार डालो, किसी को भी जिंदा ना छोड़ो। अगर एक भी बच गया तो शौर्यांग का बदला भयानक होगा। परंपरा बढ़ाने के लिए खानसार बनाया गया है सिर्फ
और तुम्हारी जिम्मेदारी है रमा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम संभाल लोगी। ठीक है पापा। करता, आपके फैसलों पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, पर आपका दामाद होने के नाते मैं कुछ पूछना चाहता हूं। क्या आप उसे माफ करेंगे? किसे? आपके बेटे वर्धा को। वर्धा, क्यों फेंक दिया तुमने कड़ा? क्यों फेंक दिया बताओ? दिए हुए मोल को उसने जाया कर दिया। वो मेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं। तब वो सिर्फ 10 साल का था। तुझे इतनी फिक्र क्यों हो रही है? क्योंकि आपसे इस विषय पर बात करने के लिए किसी के पास भी हिम्मत नहीं, क्योंकि खाने की मेज पर आप आज भी वर्धा के लिए एक कुर्सी खाली छोड़ते हैं, और आपके पिता शिव मन्नार को आप जब भी देखते हैं तो आपको सिर्फ वर्धा याद आता है। वो भी आपका खून है करता। जो इज्जत रुद्रा को मिलती है वो उसे भी मिलनी चाहिए। 30 साल से इसी कुर्सी पर शासन कर रहा हूं। आज तक सारे निर्णय खानसार के लिए ही लिए हैं। आज पहली बार एक निर्णय मैं अपने लिए लेना चाहता हूं। तुम्हारी कुर्सियों में से एक कुर्सी चाहिए तो एक ही है जो बिना हिचकिचाए मुझे कुछ भी देगा। इसलिए तुझसे मांग रहा हूं रंगा, मेरे रहते मेरे बेटे वर्धराज मन्नार को सरदार बंदे देखने की इच्छा है। वर्धा राज मन्नार की दूसरी बीवी का बेटा, बचपन में अपना कड़ा दे देने की वजह से वो कभी सरदार नहीं बन पाया। उसका पद कापर का होते हुए भी रॉब हमेशा सरदार कर रहा। देगा ना रंगा? मांगिए मत करता, आदेश दीजिए। मैं कुछ जरूरी काम से खानसार से बाहर जा रहा हूं। लौटने से पहले वर्धराज मन्नार को सरदार बनाने का जिम्मा पूरा करना है। बने पंडित को बुलवाया है। पंडित को
सरदार बनेगा। मेरा भाई सरदार है। राजमन्नार के लौटने से पहले अगर बधाई ना रहे तो लेके आ रहे हैं।
मिला रहे हैं। भाई बोलना, हमारी आर्मी कहाँ है? Thank you.
सर एक एंट्री करनी है। करना चाहता है, जानते हो ना?
तुझे अपनी कुर्सी पर बैठे हुए देखना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है तू सरदार बने। लेकिन पिताजी, तुझसे पूछे बिना मैंने आज तक तेरी हर ख्वाहिश पूरी की, तो मेरी बस ये ख्वाहिश पूरी कर। सरदार, रुद्रा मन्नार ने तेरे लिए एक संदेशा भेजा है। रुद्रा भाई ने, उनके लिए कुछ भी करूंगा, क्या करना है? उन्होंने उसकी नींद उड़ाने के लिए बोला है। बाबा, हम बाहर जा रहे हैं, देवा को बुलाइए। भाई, हम इतने लोग हैं ना, फिर वो क्यों चाहिए? रंगा, मेरा बेटा विष्णु भी तुझे तंग कर रहा है। राजमन
मन्नार का बेटा होके झेलना मुश्किल है। एक काम कर, तेरा सिर काट के मेरे पैरों में रख दे। तरफ हो गए हैं। बाकी लोगों को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे।
मुद्रा जो भी हो हम कर्ता के खिलाफ नहीं जाएंगे। गुड, मेरे कर्ता बनने के बाद मैं सबको बताऊंगा तेरे जैसा एक विश्वासी था। वो बात नहीं है सरदार, गलियारों के बिना आप नहीं जीत सकते। कोई भी गलियार नारंग के खिलाफ नहीं जाएगा। नारंग, अगर रंगा ने गणियार को भड़काने की कोशिश की तो हम में से कोई भी कर्ता के खिलाफ गया तो उसे अपने हाथों से काट दूंगा भाई। तुम्हारा बच्चा है गा। क्या पर उसे वो खुद ही काटता है।
प्रोसीजर है रे, हाथ बांध कर खड़े रहो।
भी तैयार करता हूं। Downloaded from HD Hub for you.
हक है कि तुम अपने बेटे की मौत का बदला लो, पर वरदा ने उसे नहीं मारा, ये उस नए बंदे का काम है, बस इतना याद रखना। सीज फायर हटाने के लिए नारा को राजमंडल के खिलाफ जाना होगा, वरदा को मारना ही होगा। वरदा ने तेरे बेटे को नहीं मारा, ये सच है, लेकिन तेरे बेटे विष्णु को इतनी बेरहमी से मारते वक्त वो वहां चुपचाप खड़ा रहा। Thank you.
लेकिन दया करके पर्दों को हाथ मत लगाओ। सॉरी यार,
तुझे सॉरी बोलना चाहिए, गलती मेरी है। यहां कुछ भी हो, तुझे यहां बुलाने से अपने आप को बहुत रोका मैंने, पर रोक नहीं पाया। मैं जानता था अगर तू यहां आया तो ऐसा ही होगा, यहां के अलावा तू कहीं भी होता तो अच्छा ही होता। सब जानते हुए भी मैं सॉरी यार। पिताजी को इससे ज्यादा जरूरी काम क्या हो सकता है? कितनी बार फोन किया, उन्होंने उठाया ही नहीं। मामा, कर्ता के बारे में कुछ पता चला? अगर वो नहीं आए तो हम जरूर हार जाएंगे। पूरे 101 वोट है, उसमें से नारंग और विष्णु के मरने की वजह से इन दोनों के 4 वोट रद्द हो जाएंगे। अब बचे हैं 97 वोट्स। आपके, भारवा के और लंगा के 9 वोट्स मिलाएंगे तो हमारे 24 वोट्स होंगे। बचे हुए किसी वोटर पर हम भरोसा नहीं कर सकते। जुरानी, आचार्य मिश्रा, अक्रम पाशा शुक्ला, उनको मैं लाऊंगा, लेकिन मोटी मोदी मुझे पर्दा चाहिए। क्या अरे करेगा उसे? उन सबको मिला के हमारा वोट काउंट कितने हुए बोल? कर्ता का मिला के 48 वोट। 48 वर्दा के साथ क्या करूंगा दिखाता हूँ। इन कमरों में जितने भी हैं सबको ट्रस्ट देकर जानवरों की तरह तैयार किया है। रेड कलर देखते ही ट्रिगर हो जाएंगे। ये लोग क्या कर सकते हैं जानते हो? वापस भी आए तो वर्धा का एक वोट हमें चाहिए होगा। बचपन में ही जान में तो तू भी मेरा बाप का ही खून है, तब से नफरत है तुझसे। अगर ये बीच में नहीं होती वो नफरत यही दिखा देता। कल वोटिंग के लिए करता राजमन्नार नहीं होंगे, मेरी ही चलेगी। मेरी बात को सलाम मान या वार्निंग, सीज फायर हटाने के लिए तूने वोट दिया तो मार डालूंगी। एक इंसान अपनी चाहत के लिए कोई भी हद पार कर सकता है, अगर नफरत करे तो हद की भी हद पार कर सकता है। मेरे भाई के नफरत करने से पहले मैंने तुझसे नफरत की। कर्ता राजमन्नार कोटगढ़ आएंगे, अगर तूने उनके खिलाफ सीज फायर लिफ्ट करने के लिए वोट किया तो तेरे लिए मेरी वो नफरत तेरे सम से चहेते पर जरूर टूटेगी। बद्री! हाँ, कल अगर इसने मेरी बात नहीं मानी तो वोटिंग के बाद इसके भाई को घसीट के बाहर लाके उसका सर काट देना। अगर मेरे बाप का खून तुझमें थोड़ा सा भी है तो तू सही फैसला लेगा। भरवा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुझे लगता है आज की वोटिंग हमारे पक्ष में होगी? जरूर होगी, अपना वक्त आ गया है।
करता की अब तक कोई खबर नहीं। खान सलमान की फ्लाइट अराइवल स्केड्यूल में ही नहीं है। अब सरदार वोट डालेंगे। थारे लोग ई नरक में पड़ेगा।
वो जिंदा ही काट काट के खा जाते। मैंने खुद मारने का सोचा पर वायलेंस हैंडल करने की कैपेसिटी नहीं है, इसीलिए मैंने बहुत से कुत्तों को ड्रग्स दे के शैतान की तरह पाला है। इतने खूंखार ऐसे काट 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 खाएंगे, खून पिचक पिचक उड़ेगा, उसे देख ताली बजा के हंसूंगा। जाके हमें चीनी की आस जगे। इतने बरस बीतने के बाद आज सबने पूजन शुरू किया।
इतनी देर क्यों कर दी? टैटू बनने में टाइम लग गया, सिर्फ इतनों को मार के थक गया। अगर मेरे हाथ में भी तलवार होती तो अब तक सबको काट चुका होता। अच्छा, बड़ी वाली तुरंत पर मन्नर की मोहर होगी क्या?
चला। लोथरा ने पंडित को क्यों बुलाया है जानती हो? पंडित क्या कर सकता है मुझे मालूम है। दूसरी, मैं खानसार से बाहर गया था क्योंकि एक बहुत बड़ी वेपन स्टील हुई है जिसका ऑर्डर खानसार से गया था। कौन है? राजवर्णा ने सभी शौर्यांगों को खत्म करके हम गड़ियारों को बख्श दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि हम में एकता नहीं है। हम उन्हें अपने साथ ऐसा नहीं करने देंगे। अब खानसार के टुकड़े हो जाएंगे अगर हम एक हो गए तो पूरा खानसार हमारा होगा। तीसरी और सबसे भयानक वजह, मैंने 25 साल पहले जो किया वो आज मेरा शिकार करने आया है। बता कहां है सब? भारवा कहां है? भारवा तुम्हारा पति मन्नार है ही नहीं तो फिर? मैंने खानसार के चारों ओर इतनी बड़ी दीवारें क्यों खड़ी की जानती हो? क्यों पावरफुल वेपन्स और इतनी बड़ी आर्मी रखी जानती हो? क्योंकि मुझे डर था उनमें से कोई एक जिंदा हो सकता है। कौन है वो? See you.
is downloaded from HD Hub for you. Devakant. आज शाम को हम लोग उनके घर में पूजा में भी जाना है ना? हाँ, ए, पूजा में खाली हाथ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं कोमल पापी, हम सब लोग कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर जाएंगे। बबीता जी, आप क्या देंगे? मैं मिष्टी दही दूंगी। वाओ, गुड। मैं तो सोचती हूँ मच्छी के शेप की मावे वाली बर्फी दूँ। हाँ, उनको पसंद है। अब मैं सोचती हूँ कि एक सीडी बॉक्स दूँ। क्वाइट यूजफुल। भाभी, आप क्या दे रही हैं? मैं तो बूढ़े बहन को नौ वाली साड़ी दूंगी। ओहो, अरे अंजलि भाभी, आप क्या देंगे? अरे बाबा, हम सब लोग कुछ न कुछ जरूर देंगे। पहले उनके घर में कंप्यूटर आने तो दीजिए। अच्छा, ऐसा करना है? ऐसा करते हैं। हम लोग हमेशा कुछ न कुछ प्लान करते और फिर जाके कुछ न कुछ गड़बड़ होती है। अरे हाँ बबीता, एकदम साची वाची। इस